कह रही हूँ इस उम्र में भगवान किसी को ऐसी डीडी ना दे। हाँ, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो घर नहीं है, ये पुलिस थाना है। भाग डाली। अरे अरे अरे, मुझे पहचाना नहीं? पुलिस वाले को पहचान के क्या करूँ? जो चार डंडे मार दे, जल्दी मार ताकि मैं निकलूँ। अरे मैं इधर आइए, मैं शमशेर। शमशेर जी, तो एक डंडा ज्यादा मार ले ले। इधर आओ। मैं पहचाना नहीं? नहीं। मैं शमशेर, तुम्हारा कजन पोता यार। शम्मी बेचा। कितना बड़ा हो गया तू। अब पाय लागू। चौंधा रे, चौंधा रे। हाँ बोल। मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाई। मैं एक नई बात बता शम्मी बेटा, तू तो पंजाब पुलिस में था, फिर तेरी बदली मुंबई में हो गई। दादी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तेरे में कुछ भी नहीं हजम होता दादी। देखो पोस्टिंग का क्या है दादी, जब शो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा हो ना तो सब कुछ हजम हो जाता है। और सुनाओ। वो सब छोड़िए, बता वो पड़ोस में तेरे वो जो रामलाल रहते थे उसकी बेटी, वो भगोड़ी जो बार-बार भाग जाती थी, उसका क्या हुआ? वो तो भाग गई थी, अभी तो पसीना वसीना सुखा के आराम से बैठी, अभी तो ठीक है। बिट्टू कैसा है? बिट्टू का क्या बताऊं? हाय हाय हाय, शादी के 3 साल हो गए लेकिन बच्चा अभी तक नहीं हुआ, बोल लूजर। तेरा बेटा कैसा है? मेरा ठीक है बस। एक ही बेटा है या और कैलेंडर छाप दिया? नहीं दादी, तुम्हें पता है एक ही बेटा था मेरा, तो उसके बाद पुलिस में नौकरी लगी, फिर टाइम कहाँ लगता है, 4-5 है अभी। अच्छा, 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 ये बता उसी घर में रहता है या बड़ा घर ले लिया? घर दादी कहाँ, घर बड़ा लेना, पुलिस वालों की कमाई रही कहाँ आजकल। किससे 50 रुपए मांग लो, आगे से मुंह अरविंद केजरीवाल जैसा कर लेता है, डर लगा रहता है। इस चक्कर में हम लोग डरे रहते हैं कि यार कहीं केस ना कर दे, तो मैं बाद में मैंने सोचा भाई ये चक्करों से अच्छा है डाकू वाकू पकड़ के नाम हासिल करूं, मैं चला गया चंबल। अच्छा, बंकर सिंह को पकड़ने। ओए, और बंकर सिंह चंबल में जब गया मैं, यू वोंट बिलीव, ही वाज सो हंबल इन चंबल। और मैं मतलब जैसे लड़ाई शुरू हुई ना, उसने मुझे पहले मुक्का मारा। पहले मुक्के में ना मैं एक्चुअली क्या हो गया, मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। मैं बेटा उसे नींद नहीं, बेहोशी कहते हैं। निद्रा। ठंडी बियर? तू थाने में ठंडी बियर बेचता है? ताली जवान हो गई, करंट आ गया। ये देखो थाने में ठंडी बियर बेचता है। थाने में आता कौन है, क्रिमिनल आते क्या? तो वो कौन सा दूध पीने वाले होते हैं? मैंने रख ली, मैंने कहा चलो ऊपर कमाई हो जाती है और क्या। बहुत सही काम किया तूने, बहुत सही काम किया। हाँ चल जल्दी से एक मुझे भी पिला ले, पर प्रेशर के मारे देख हाथ कांप रहे। क्या याद करोगी दादी, ये तुझे बीयर पिलाता हूँ, बाकियों को 90 की, तुझे 110। इतना बड़ा हो गया तू, अपनी दादी से पैसे लेगा तू? भूल गया इत्तु सा था, इत्तु सा। तेरी माँ की दादी? कितने पैसे? देती हूँ, देती हूँ, देती हूँ। आराम से मारो, रख दे। देती हूँ। क्या देखते हो? दादी का पोते अपनी जगह। कितने बोले? ये कहाँ से निकाले पैसे? ये लॉकर से। बड़ा पुराना लॉकर है। 110। हाँ ले ले। तेरा 10 का नोट फटा हुआ है, दूसरा नोट दे। ये और नहीं है मेरे पास, चेक कर ले। तो थोड़ी देर और चला फिर मेरे पास। ये तो 15 की पिया तू। 15 की पिया? 15 की पिया? हाँ ठीक है, ये रख 5 मुझे दे। नहीं है ना मेरे पास, दे दे। मेरे पैसे तो दे वापस। पैसे दे। हाँ। एक तो एक पुलिस अफसर को ऑन ड्यूटी वर्दी में बियर पिला रही तू। केस ठोकूंगा तेरे पे, बुटन चलने के लिए। सुन लो, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। मैं ठंडा मैंने दादी की घटा।
था भाई। मैं अपना क्या नाम रहते अब जीप जीप बंद करे शूटिंग देख रहे ये क्या है मतलब घर से बंद करके आया करो भाई। मैं मुझे पीने की आदत नहीं है लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं सिक्योरिटी टाइट रखो बहुत झगड़ा हो गया है लोग एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं जल्दी आओ तू घबरा मत मेरे साथ आओ पर गोलियां तो उधर चला रहे हैं तभी तो इधर जा रहे हो इधर दिमाग खराब है भीड़ ने गोली चला दी मर जाएंगे मित्र। ओह साहब जी टेंशन मत लो मैं तो ऐसे ही कह रहा था मजाक कर रहे थे मजाक कर रहा था बदतमीज आदमी मजाक कर रहे थे साहब जी मैं तो चेक कर रहा था कि आप कितने दलेर हैं क्या देखा फिर तुमने मैंने नहीं बताना आपने फिर थप्पड़ मार देना नहीं तो साहब जी क्या आप मुझे एक बात बताइए आपने कभी कोई बहादुरी वाला काम किया बहादुरी काम मेरे से पूछ रहे हैं सब्बर सिंह का नाम सुना हाँ जी सुना है फुलन देवी का बिल्कुल सुना है सर लोगों को गाने सुनने का नाम तुम डाकू में नाम सुनते रहते कमलेश गोयल का नाम सुना है कमलेश गोयल ये नहीं सुना साहब जी मैंने यही तो बहुत बड़ा मुजरिम है तुम्हें पता नहीं अच्छा। एक बार मैं और कमलेश गोयल आमने सामने मैंने गिरफ्तार किया उसको अच्छा मैं ले गया जेल में अच्छा मैंने जो डंडा ब्रेड करनी शुरू कर भी करनी थी अच्छा वो बड़ा कमबख्त मौका देख के उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया फिर क्या जब मुझे होश आया मेरे से पेन हो रही थी बॉडी में होता है कई बार कमबख्त मेरे हाथ में पता नहीं क्या मार के गया मेरे इतना पेन अब मैं ना गिनती नहीं गिन सकता जैसे एक यहाँ से शुरू करना तो मैं यहाँ से करता हूँ उसी दो से शुरू करता हूँ दो तीन चार तो गिन मैं चार लेता हूँ होते मेरे पास तीन ही है तो बाकी का जो एक मैं दूसरे हाथ से डालता हूँ थोड़ी तो हो जाती प्रॉब्लम यहाँ पे कोई अच्छा सा लड़का देख के उससे जबरदस्ती कर और मेरी शादी करा दे ये लो सोरा सॉरी कुछ भी करा कैसे भी करा बस करा दे क्या मैं तेरी शादी कैसे कराऊं शादी करा दे मैं इंस्पेक्टर भर्ती हूँ कि पंडित भर्ती हूँ मैं साहब जी करवा दो कोई अच्छा सा मुजरिम ढूंढ के इनकी शादी करवा दो हाँ जी इनकी भी शादी हो जाएगी और उसको भी सजा मिल जाएगी ठीक है बुआ मेरा एक मुजरिम है मैंने पकड़ के अंदर किया जेब कतरा है टोनी टुंडा घर में कभी पैसे की प्रॉब्लम आए भीड़ वाली जगह में लेके घुस जाओ आगे उसकी टेंशन पैसे कैसे कमाने नहीं शमशेर मुझे नहीं कराई जेब कतरे से शादी लो जी पुलिस वाले मारते बहुत हैं एक बार सिद्धू जी मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया लेडी कांस्टेबल ने ऐसी ऐसी जगह डंडे मारे अगले दो महीने तक खड़े होके पत्ते खेलना पड़ा ओए किसी डॉक्टर या इंजीनियर से करा दे ले डॉक्टर इंजीनियर जो कोई इंजीनियर होगा तो पुरानी बिल्डिंग में इन्वेस्ट क्यों करेगा पुलिस वाले से करा दे बुआ पुलिस वालों के पास टाइम नहीं होता और तू जितनी लेट हो चुकी ना तुझे कम से कम ऐसा पति चाहिए जो शादी के अगले दिन से लेके तीन चार साल लगातार तेरी सेवा में रहे तू ओए तू बहाने मार मार के मना कर रहा है देख किसी से भी कैसे भी बस करा दे किससे करा दूं मैं होना भी तो चाहिए लड़का किसी लड़का भी तो है कोई साहेब ये जरा एड्रेस बताएं हमको कहाँ है ये लड़का मुझे पसंद है इसी से करा दे दीन दयाल उपाध्याय ट्रॉफी पद में इसी से करा दे इसी से करा उसको फिर एड्रेस फाड़ चलो शादी वाले दिन तो टाइम पे आ जा करो चलो क्या करें शादी शादी कहाँ अरे हल्दी वल्दी लगाओ उसको देखिए आपको गलत फहमी हुआ है अरे क्या कर रही हैं आप तो गलत फहमी हुआ हम यहाँ घर ढूंढ रहे हैं घर ढूंढने पहले घर तो बसा अपना है एक काम करो लाइटर जलाओ फेरे लो चलो फेरे शुरू कर बुआ जल्दी करो जल्दी फेरे शुरू करो चलो चलो फेरे शुरू चलो 14-15 ले ले पक्की शादी चलो चलो
इसके एक भी ले लो। अरे साहब आप हमसे जबरदस्ती रोजगार मांग लिया। जबरदस्ती नहीं कर सके सकते। देखिए क्या है कि हमने भी कानून बहुत जानते हैं हम कानून के बारे में। दामिनी पिक्चर 12 बार देखा है हमने। ऐसा नहीं होगा, हम तो गला घोट के मारेंगे। क्या शादी नहीं करोगे? नहीं साहब। साहब आप भविष्य बताएंगे क्या? तो शादी नहीं करोगे? नहीं साहब। हाथ दिखाओ। देखो साहब करने के लिए बोल रहा हूँ। साले ड्रग्स सप्लाई करता है। तेरी मैं शादी कराता हूँ। छह महीने का बच्चा है साहब। छह महीने का बच्चा है तो हमने कहा था लेट शादी कर। 2 साल पहले कहा था 2.5 का होता। ऐसा मत करिए साहब। हमारा गांव में बूढ़ा माँ बाप है हमारा। सबके माँ बाप बूढ़े, मेरे कौन से एलकेजी में पढ़ते हुए। साहब ऐसा मत करिए। ए जब बुढ़िया जो है हमको मालूम है आपने जबरदस्ती हमारे हाथ में रखा है। बुढ़िया रखी ना जबरदस्ती, अभी बुढ़िया भी रख। चल हट। सबको पता है गुड़िया है तू। चलो साहब फेरे। हमको चल फेरे ले। एक मिनट फेरे। पुलिस का बहुत ज्ञान है हमको साहब। ऐसी बात है, हमको पुलिस का केस हैंडल करना आता है। खर्चा पानी रख लीजिए साहब। और क्या है, 100 रुपया है साहब, रख लीजिए। इज्जत मान समझ के साहब। खर्चा एक और केस डाल इस पे। ऑन ड्यूटी वर्दी में पुलिस वाले को कम रिश्वत दे रहा है पुलिस को। चलो चलो फेरे शुरू कर। तू घूमती रह, मैं फेरे शुरू करूंगा। तू घूमती रह, तू घूमती रह, तू घूमती रह। बड़े वाले फेरे ले, बड़े वाले फेरे ले। आप हमको जानते नहीं है। बड़े वाले फेरे ले। चल चल चल, बीच में हवलदार से फेरे ले रही है। तू तो नहाओ, पुतो फलो, जो भी है फलो फलो, जो भी फल फ्रूट है। बहुत जबरदस्ती कर लिए आप। मारेंगे तुमको साले। कानून की बुआ पे हाथ उठाता साले। हमारी जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते आप। कानून की बुआ पे है। बैठ बहन के कानून बैठ। बता बता मैं बता, हनीमून के लिए कहाँ जाएगा साहब? बता दीजिए बता दीजिए। मुझे लगता है बाहर जाके मुकर ना जाए। इधर ही मनाओ तुम लोग हनीमून। चलो आप हमको जबरदस्ती हनीमून के लिए नहीं बोल सकते। हमारा पहुंच दिल्ली तक है। हमारा तो दिल्ली से भी आगे पानीपत तक है। चलो हनीमून मनाएं। सुनिए सब सुन। देखिए हनीमून नहीं मनेगा क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम शादी के बाद दूसरी औरत के साथ संबंध नहीं रख सकते। तो जो तुम्हारा लदेन के साथ संबंध है वो लदेन, लदेन भी डालो। हाँ जी। आपको कैसे मालूम लेकिन हमारा लदेन के साथ संबंध है? पुलिस को सब आपको कैसे मालूम? कागज की तरह बढ़ गए सब। लेट नहीं हो रहे हम? टाइम क्या हुआ? टाइम तो हम बता रहे टाइम। पौना 11 हुआ है हमारी घड़ी में। ऐसे पौने 11 की ये जगह नहीं, आगे चल रहा है क्या? अरे ये तो बम दब गया। बुआ फाड़ चुंदर रहेगी, दो शादी होती रहेगी।